सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है और आज उसी क्रम में ये यात्रा शिविर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से इस यात्रा को समर्थन मिला है और ये न सिर्फ मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ बल्कि आप जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हाजीपुर से लेकर अभी तक जिस जिस जिले से ये यात्रा गई है लगभग 15-16 जिले अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हाजीपुर में थे हम लोग, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कई ऐसे जिले हैं जहां से ये यात्रा होती हुई गुजरी है। कल हम लोग सीतामढ़ी में थे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, तो जहां जहां से भी ये यात्रा होती हुई गुजरी है जो एक अपार जन सैलाब इस यात्रा को देखने को मिल रहा है और ये मैं नहीं आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं अपना आशीर्वाद देने बाहर आ रही हैं, युवा पूरे जोश के साथ बंद कर दीजिए युवा पूरे जोश के साथ वो इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, बुजुर्ग इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और अगले जो मध्यवर्ती बिहार में चुनाव होंगे, मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, मध्यवर्ती चुनाव होंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अगले जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसके परिणामों के बाद अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। मेरे नेता मेरे आदर्श मुझे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प देकर गए थे।